बिहार सरकार के भूतपूर्व मंत्री लहटन चौधरी की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज सुपौल के पब्लिक लाइब्रेरी क्लब में पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत सहित अन्य पार्टी के नेताओं ने पुण्यतिथि कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बार हम लोगों ने इसका आयोजन किया है, भगवान जी को इसके लिए बधाई है। मैंने जैसा जिक्र किया कि इससे नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है। हमारे यहाँ भी ऐसे पुरखे थे जिन्होंने गरीबी में भी पैदा होकर के इस देश के लिए समाज को इतना बड़ा काम किया, उसको प्रेरित करेगा, यही महत्वपूर्ण। भूतपूर्व मंत्री थे लहटन चौधरी जी, और वो हमारे इस देश के तो नाज, सुपौल के साथ साथ पूरे हमारे प्रदेश और देश के नाज थे, और उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में जो अपना सहयोग किया वह याद करने लायक है। उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना बहुत योगदान दिया, और जब देश स्वतंत्र हुआ तो सुपौल से पहला वो विधायक बन के गए 1952 में, और लगातार 1969 से लेकर 1990 तक वे बराबर मंत्रिमंडल में रह करके वो इस प्रदेश की सेवा किए हैं। उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के लिए जो काम किया है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है बहुत बड़े ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, और आज जो 5 साल MLA 10 साल होता है उसकी स्थिति देखिए, और इतने वर्ष तक वे मंत्री थे, वो न अपने परिवार के लिए किया, न अपने घर के लिए किया, न अपने के लिए किया, वह किया केवल समाज के लिए, अपने इस प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। उसको सारे लोग नमन करते हैं। नमन करने के लिए उनकी जो उन्होंने जो काम किया है उसको याद करने के लिए हम लोग यह पुण्यतिथि मना रहे हैं, और यह पुण्यतिथि के साथ साथ जन्मतिथि हम लोगों ने बोला है जिसको मनाने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए। तो यह आज का कार्यक्रम हुआ जिसे माननीय मंत्री महोदय भी रहे, और उनकी प्रेरणा से ही आज यह कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कहा जो पहला विधायक हमारे क्षेत्र के हैं, और यहाँ के लोगों को याद करने के लिए आगे वाली पीढ़ी जो है उसको याद रखे, इसके लिए सब कार्यक्रम होना चाहिए। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता शमशुद्जमा की रिपोर्ट।